द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है जहाँ से कम्युनिकेशन लिया गया है। इट मीन्स टू मेक कॉमन या टू शेयर। इट मीन्स शेयरिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इन्फॉर्मिंग, पॉपुलराइजिंग, स्प्रेडिंग। मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन, थाट, आइडिया, वट एवर ओपिनियन यू आर हैविंग विथ यू, इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर, कॉन्ट्रीब्यूट, इन्फॉर्म या पॉपुलराइज या उसको स्प्रेड कर रहे हैं, तो दिस एवरी थिंग कम्बाइन इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नीड ऑफ ह्यूमन बींग एज वी ऑल नो। कम्युनिकेशन इज बेसिकली कन्वेइंग द मैसेज या एक्सचेंजिंग थाट्स और इन्फॉर्मेशन वाया स्पीच, विजुअल, सिग्नल्स, राइटिंग, बिहेवियर, कैसे भी। इन एनी हाउ अगर हम अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन या बातचीत को किसी अदर पर्सन को शेयर करते हैं, समझाते हैं, तो दैट इज़ द कम्युनिकेशन। तो सेम मैटर या सेम इन्फॉर्मेशन को आप स्किलफुली कम्युनिकेट करके उसको एक मिरेकल क्रिएट करते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा सिर्फ अपनी बातों से ही दे कैन क्रिएट अ मिरेकल, एक दे कैन स्टार्ट कास्टिंग, वो एक जादू कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आ सकता है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, कैसे भी हो सकता है। अपने आइडिया, अपनी स्पीच, विजुअल, सिग्नल, राइटिंग, बिहेवियर, एवरीथिंग कैन बी अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मेनली थ्री एलिमेंट्स आर देयर। वन इज सेंडर, जो कि मैसेज को क्रिएट करता है, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द मैसेज, या ट्रांसमीटर। मीडियम, जिस मीडियम के द्वारा वी सेंड द मैसेज, या मीडियम ऑलवेज कैरीज द मैसेज। एंड द रिसीवर, जो मैसेज को रीड करता है, इंटरप्रीट करता है और उसकी मीनिंग को समझता है। तो मेनली वी कैन सी कि दीज थ्री आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। और इसको हम डिटेल में समझें तो देर इज अ साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अगर सेंडर अगर रिसीवर को मैसेज भेजता है वर्बली या नॉन वर्बली, कोई सिग्नल दे के या साउंड के द्वारा, साउंड को अगर मीडियम बना के वो भेजता है, वॉइस अपनी रिकॉर्ड करके या वॉइस के द्वारा बोल के भेजता है, तो जब वो रिसीवर उसको सुनता है और सुन करके जो रिस्पॉन्ड करता है वो फीडबैक होता है। तो यानी एक कंप्लीट साइकिल होता है, यानी सेंडर मैसेज को भेजता है थ्रू अ मीडियम और रिसीवर उसको रिसीव करके उसका फीडबैक देता है, हाँ, ना या अंडरस्टैंडिंग में। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कम्प्लीट कम्युनिकेशन साइकिल, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्बल नॉन वर्बल मैसेज, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, देर आर सम वेरियस एलिमेंट्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेंडर, हु बेसिकली क्रिएट्स द मैसेज, हु क्रिएट्स द आइडिया। यानी सेंडर के माइंड में ही सबसे पहले आइडिया आता है और उसी आइडिया को वो एक मैसेज में कन्वर्ट करता है। जब वो वही मैसेज को जब वो कन्वर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एनकोडिंग। ठीक है, तो सेंडर ने सबसे पहले आइडिया एक बनाया अपने माइंड में, जो कि मैसेज का एक सब्जेक्ट था। उस आइडिया को उसने मैसेज में कन्वर्ट करके और उसको एक प्रॉपर सिंबल में कन्वर्ट किया, चाहे वो साउंड के रूप में या किसी सिग्नल के रूप में, किसी एक्शन के रूप में किया, तो वो एनकोडिंग हो गया। तो एनकोडिंग मतलब उस मैसेज को सामने वाले के पास भेजने लायक बनाया, चाहे वो सिग्नल हो सकता है या उसको लिख करके या बोल करके, किसी चैनल का यूज़ किया। चैनल क्या हो सकता है? चैनल वो मीडियम हो सकता है जिसके द्वारा आगे उसको भेजना है। सपोज़ कीजिए आप किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल चैनल का यूज कर रहे हैं, फोन लाइन, इंटरनेट, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द मीडियम। इसके बाद आता है जो उस चैनल के द्वारा रिसीवर को रिसीव होता है। तो रिसीवर बेसिकली इसी के लिए वो मैसेज बना हुआ है। तो रिसीवर उसको डिकोड करता है, मींस ही वंस ही एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द मैसेज, तो उसको डिकोड करता है, तब वो समझ पाता है कि इस मैसेज का मीनिंग क्या है। जब उस मैसेज के को डिकोड करके और समझ जाता है, तब उसके रिप्लाई में वो वापस से सेंडर को एक फीडबैक भेजता है, रिवर्स। तो ये कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होता है, यानी इट्स अ साइकिल, जब ये साइकिल कंप्लीट होता है तब जाके कम्युनिकेशन हैपेंस। भले वो रिस्पॉन्स में एक अपनी गर्दन हिला दे, नोडिंग कर दे, या इट कैन बी एनी सिग्नल। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस जब होता है, तब जाके एक पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हैज़ ओनली बेसिकली थ्री मेथड्स, लाइक वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड थर्ड वन इज विजुअल कम्युनिकेशन। ये तीन तरह के कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं अपनी बात को सामने वालों को शेयर करने के लिए। सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज हैज़ बेसिकली टू पार्ट्स।
तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि जो भी हम ओरली बोलते हैं इन ओरल कम्युनिकेशन लाइक स्पोकन वर्ड्स या फेस टू फेस कन्वर्जेशन होता है, स्पीच, टेलीफोन कन्वर्सेशन या किसी रेडियो पे, टेलीविज़न पे, जो वॉइस के द्वारा हम सुनते हैं चाहे वो इंटरनेट पे हो, दीज ऑल आर नोन एज द ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल में ही आता है ये। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन कैन बी बेसिकली व्हेन वी आर नॉट ऑन फेस टू फेस, बिजनेस मेमोज होते हैं, रिपोर्ट्स या एम्प्लॉय मैनुअल्स, ईमेल्स भेजते हैं किसी को, या कोई भी लेटर राइटिंग कर रहे हैं, वट एवर द रिटन मटेरियल इज देयर, तो दैट इज कम्स अंडर द रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन माना जाता है क्योंकि इसका हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, और ओरल कम्युनिकेशन का वट एवर वी स्पीक बेसिकली देर इज़ नो प्रूफ कि हमने ये बात कही थी। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमने इसमें देखा कि ओरल है और रिटेन है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब अगला है यह हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं सारे सिग्नल्स, और जिसके द्वारा जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसके चार पार्ट्स हैं, प्रोक्सेमिक्स, किनेसिक्स, फेशियल एंड आई बिहेवियर एंड पैरा लैंग्वेज। ठीक है, तो नॉन वर्बल कैन बी द वेन एवर वी कम्युनिकेट थ्रू जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, दिस ऑल कम्स अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला इसमें देखें प्रोक्सेमिक्स। तो प्रोक्सेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चर। मीन्स हम जब भी अपने आसपास के स्पेस को, टाइम को, अपनी पोजिशन को, इन सब को यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर द प्रोक्सेमिक्स। लाइक हमारी हम जहाँ पे खड़े हैं या बातचीत कर रहे हैं, वहाँ हमारी फिजिकल टेरिटरी क्या है, हमारे आसपास का एरिया क्या है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। पर्सनल टेरिटरी, किसी के पास अगर हम खड़े हैं तो उसे क्या डिस्टेंस है हमारा, कैसे हमारे उससे आई कांटेक्ट है, आसपास के स्मेल करके हम चीज़ों को समझ रहे हैं। जेंडर जो है वो भी इसमें वर्क करता है। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, क्या गोल है कम्युनिकेशन का, ये सब सारी चीज़ें आती हैं प्रोक्सेमिक्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा किनेसिक्स। किनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट इंक्लूडिंग द पोस्चर, जेस्चर, इतिसी। मीन्स हम अपनी बॉडी को कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे हमारी फीलिंग है, इमोशन है, एटीट्यूड क्या है, हमारे चलने का, हमारी बॉडी मूवमेंट का कैसा एक्सप्रेशन हो रहा है, हम किस स्टाइल में वॉक कर रहे हैं, किस पोजिशन में खड़े हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है हमारा, एंथुजियाज्म, एनर्जी लेवल क्या है हमारा। दिस किनेसिक्स मीन्स किनेसिक्स काइनेटिक, काइनेटिक से बना, काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, गतिज, तो दैट इज कम्स फ्रॉम द सेम वर्ड। तो काइनेसिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम कैसे उस समय अपना एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फेशियल एंड आई बिहेवियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ऑफ द फोटोग्राफ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें कह सकते हैं कि हाउ योर आई बिहेवियर इज देयर, वेयर यू आर लुकिंग, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, एवरी थिंग। आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं, योर आईज कैन सी, मतलब टेल की हाउ योर, वट इज योर बिहेवियर, हाउ यू यू आर एक्सप्रेसिंग। तो इस तरह से सामने वाला आपके फेशियल बिहेवियर और आई को देख के ही बता सकता है कि यू आर हैप्पी या सैड, या आप एंग्री हैं या सरप्राइज्ड हैं, या फियर है आपके अंदर, या डिस्गस्ट है, एवरीथिंग। योर फेस इज द मिरर ऑफ योर ऑल योर बिहेवियर। तो फेस एंड आई आर द बेस्ट पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट सम अफेक्शन, हॉस्टिलिटी, अट्रैक्शन। तो दिस कैन बी अ बेस्ट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इज द वेरिएशन इन द स्पीच, जैसे आपकी पिच, लाउडनेस, टोन, ड्यूरेशन, लॉफिंग कैसी है, आप कैसी क्राइंग कर रहे हैं, मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग किस तरह का आप टोन यूज़ कर रहे हैं, कैसी पिच आपने यूज़ की हुई, कैसा मॉड्यूलेशन है आपकी पिच का, आप कहते हुए हंस रहे हैं या कहते हुए उसमें रो रहे हैं, या जो भी आपने फिल्मों में देखा है किसी बात को कहते हुए जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, वो दैट इज कम्स अंडर दी पैरा लैंग्वेज। तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ वेरी गुड इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा विजुअल कम्युनिकेशन, ये लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टोपोग्राफी, फोटोग्राफी, साइन, सिंबल, डिज़ाइन। ठीक है, मीन्स किसी भी चीज़ को व्हेन यू आर वॉचिंग टेलीविजन या वीडियो क्लिप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो दैट इज़ ऑल्सो विजुअल कम्युनिकेशन। आप हर एक चीज़ को विजुअलाइज देख रहे हैं। तो किसी चीज़ को जब ग्राफ के रूप में चार्ट बना के प्रेजेंट किया जाता है तो उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एक्सप्लेनिंग एनी थिंग।
किसी ने कहा है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, एक पिक्चर 1,000 वर्ड्स कह सकती है। तो इस तरह से ये लास्ट कम्युनिकेशन का टाइप है, बट दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो भी आप विजुअली देख रहे हैं वो सारा दैट कम्स अंडर द विजुअल कम्युनिकेशन। आइए लेट्स मूव ऑन, देखते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ नेचर ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन जो हैपन हो रहा है एवरीवेयर, व्हाट इज इट्स नेचर? सबसे पहला है इट इज़ इनएविटेबल, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, ये छोड़ा नहीं जा सकता। एवरी टाइम एवरीवेयर इज है कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग। अगर आप चल रहे हैं तब भी आपकी बॉडी कुछ कम्युनिकेशन कर रही है, यानी सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपकी चाल को देख के कुछ ना कुछ प्रिज्यूम कर सकता है, आपकी कंडीशन को लेके, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पोशाक को लेके। तो इट इज़ एन इनएविटेबल, एवरी टाइम जो है कि वो इसको आप छोड़ नहीं सकते। दुनिया में हर जगह इन ये जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, हमेशा ये हो रहा है। जैसे हमने देखा कि आप नहीं भी बोल रहे हैं उस समय भी कम्युनिकेशन हो रहा है। टू वे ट्रैफिक, यानी आप बोलेंगे सामने वाला सुनेगा और उसका एक रिप्लाई या फीडबैक भी आएगा, इसलिए ये टू वे ट्रैफिक है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि एक तरफ से आपने बोला बात ख़त्म हो गई, जब तक उधर से रिप्लाई फीडबैक ना आए तब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। यानी फीडबैक के बिना वो प्रॉपर लिसनिंग नहीं हुई कम्युनिकेशन में, वो जस्ट एक हियरिंग हो गई, ध्यान कहीं और है फिर भी हम लिसन कर रहे हैं। तो जब तक फीडबैक ना आए तब तक कम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं है, इसलिए ये टू वे ट्रैफिक है। इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस, इतना फास्ट होता है कि आपने कहा और सामने वाले ने सुना, उसका रिप्लाई आया, इसलिए ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है, छोटा इसका जीवन है। हमने कहा, उसने सुना और रिप्लाई हुआ, बट ये इतना ज़्यादा और फास्ट होता है कि हम जान ही नहीं पाते कि कितनी बार कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल फिनोमिना, ये ऐसा नहीं कि एक जगह ही होता है, दुनिया में हर जगह एवरीवेयर, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकती। इट मीन्स कि पूरी दुनिया में हैपनिंग होने वाला है। कॉन्टेक्चुअल, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं दैट शुड बी सम कॉन्टेक्स्ट, उसका कुछ मतलब है, उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है नीड्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कह रहे हैं अगर सामने वाला उस बात को नहीं समझ रहा है तो वो कम्युनिकेशन हैपनिंग नहीं हो रही है। इट मीन्स कि इसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो आपकी बात को सामने वाला समझ पाए। नेक्स्ट है एलिमिनेट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, आप के मन में क्या है, जब तक आप उस बात को सामने वाले को नहीं कहेंगे तब तक वो उसका मीनिंग कुछ भी निकाल सकता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो दीज ऑल आर द नेचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो विल अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक का क्या होता है इसका इम्पॉर्टेंस, और फिर हम जानेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। हैव अ नाइस टाइम।